दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दौसा पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया। शिवानी पवित्र भोजनालय के संचालक ने ढाबे पर काम करने वाले युवक को रिहा करने की गुजारिश भी की। आपको बता दें कि दौसा विजिलेंस टीम ने गत दिनों बिहारीपुरा मोड़ के पास एक ढाबे पर एक पुलिसकर्मी को बजरी माफिया से अवैध वसूली के प्रकरण में पकड़ा था, जिसके चलते संदिग्ध मानते हुए ढाबे पर काम करने वाले युवक बोलेरो कार को जब्त कर दौसा ले गए थे। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ढाबा संचालक ने गिरफ्त में लिए हुए युवक की उक्त प्रकरण में किसी तरह की कोई भी भूमिका नहीं होना स्वीकार किया गया। वहीं आपको बता दें कि ढाबे के संचालक ने युवक कमलेश व अपनी बोलेरो कार छोड़ने की लगाई गुहार।